ये संदीप विश्वकर्मा, जी सर, तुम्हारा बेटा पहला असाइनमेंट नहीं आया है, भेज दिया था सर, दोबारा सबमिट कर दिया अभी। अभी भी सबमिट किए हो? हाँ, दोबारा सबमिट कर दिया, पहले भी भेज दिया था। नहीं, कब सबमिट किए? अभी जब मैं मैसेज किया तब सबमिट किए हो कि उसके पहले सबमिट किए हो? उसके से पहले भी सबमिट कर चुके, फिर अभी दोबारा भी कर दिया है। हाँ, नहीं, पहले वाला सबमिट किए थे तो तुम्हारा हाँ नाम, सर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर आ रहा है, अटैचमेंट तुम्हारा असाइनमेंट का नहीं आया था, इसलिए मैंने चेक करके देखा था, बताया था आप लोगों को। अच्छा ठीक सर, है, भेज दिया। तो हाँ, तो जो नाम है, जो नाम उस लिस्ट में है, तो मान लो जो तुम्हारे कांटेक्ट में है, ठीक है, उनको ही बता देना बेटा, ठीक है। ठीक है सर। उसमें सर सतीश सोनी हमारा और रोल नंबर 1 ही लिखा है ना। ऐसा, हाँ, हाँ, उसका भी जो भी फोन हो, रिसेट वो कर दिया। मेरे पास नाम और रोल नंबर और आपका आ गया है, अटैचमेंट नहीं आया, पीडीएफ नहीं अटैचमेंट आया था, ठीक है। और कोई हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ठीक है, लेकिन आज उसको कर ही दो। कर दिया सर अभी। हाँ, ठीक, मैं चेक कर लूंगा फिर। हो गया, इतने ही लोग हैं, स्टार्ट करो क्लास में। हेलो यस हेलो, सर, स्टार्ट किया जाए यस सर, और थोड़ा वेट किया जाए, आ जाएंगे धीरे धीरे। आ जाएंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से। शायद कुछ लोगों ने ग्रुप देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो ग्रुप में मैंने एक मैसेज किया है, उसमें 6 से 7 लोगों के नाम हैं, वो असाइनमेंट सबमिट तो कर दिया है लेकिन उनका नाम और रोल नंबर आ गया है, असाइनमेंट नहीं आए हैं, मतलब पीडीएफ नहीं आई उनकी, तो उनके नाम मैंने वहां पे लिख दिए हैं। तो कृपया अगर आपके यार दोस्त हो तो उनको बता दीजिएगा कि आज मैं 2 बजे तक लिंक, 2 बजे क्या, 1:45 तक लिंक ओपन रहेगी, इसके बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। तो अगर हो सके उनका नुकसान हो तो आप लोग उसमें नाम देख लीजिएगा और एक दूसरे को कन्वे कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। तो आज की क्लास, चूंकि हम लोग पिछली 2 क्लासों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ते चले आ रहे थे, फाइल इंक्लूजन, तो आज हम लोग उस उन दोनों पे डिफरेंस देख रहे हैं। क्योंकि फाइल इंक्लूजन के 2 फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। सर, तो हम लोग के में सर असाइनमेंट सबमिट हो गया हमारे, उसमें दे रहा है, लिंक खोली है जब। जनाब कौन बोल रहा है? साहब, हाँ आफताब, तुम कह रहे हो तुम्हारे उस पे सबमिट हो गया, तो मैं बता तो रहा हूँ ना, तुम्हारा नाम सबमिट हो गया है, तुम्हारा रोल नंबर सबमिट हो गया है, तुम्हारा पीडीएफ नहीं सबमिट हुई है, ठीक है। जो असाइनमेंट्स की पीडीएफ थी वो सबमिट नहीं हुई है। अब तक कैसे असाइनमेंट सबमिट होगा? वो तो नहीं सर, दोबारा ओपन हो रही लिंक। मैं काम करता हूं, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं लिंक दोबारा डाल दूंगा, जी सर, ठीक है, ठीक तो उसको है, आप जी लोग कर लीजिएगा, ठीक ठीक चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लूड फंक्शन और रिक्वायर फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शंस में आज हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों में आखिरकार क्या ऐसी वो है जिसकी वजह से दोनों फंक्शंस अलग-अलग काम तो करते हैं लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है। ओके, तो आइए देखिए, स्क्रीन आप लोगों को मैं शेयर किए दे रहा हूं।
दिखने लगी आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। आगे ने स्क्रीन। चलिए, तो पीएचपी इंक्लूड वर्सेस पीएचपी रिक्वायर। जब कोई एक्सटर्नल पीएचपी फाइल किसी दूसरे पीएचपी फाइल पर इंक्लूड फंक्शन के जरिए इंक्लूड की जाती, मतलब पीएचपी फाइल हो, चाहे टेक्स्ट फाइल हो, चाहे जिस प्रकार की फाइल हो, उसे जब हम पीएचपी फाइल पर, मतलब पीएचपी के वेबसाइट्स, चूंकि हम जो पेज बनाते हैं उस पर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और इंक्लूड करने का जो जरिया है वो इंक्लूड फंक्शन होगा। अगर इंक्लूड की गई फाइल का पाथ गलत होता है, पाथ गलत शब्द यहां पर जो यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है, वो फाइल जिसे आप इंक्लूड करने जा रहे हैं या जिसे आप इंक्लूड कर रहे हैं वो उसे नहीं मिल पा रही है या वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, बाकी फाइल के कोड को एग्जीक्यूट होने से नहीं रोकता है। मतलब उस फाइल को नहीं पा रहा है जिस फाइल को आपने इंक्लूड किया है, तो उस फाइल को क्या करता है, एक वार्निंग मैसेज देता है, और आपके द्वारा दी हुई फाइल मेरे पास मुझे नहीं मिल पा रही है, और इसके बाद वो सर स्क्रीन नहीं आ रही, लाइट चली गई क्या? हेलो सुमित। यस सर। आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। तो देखिए, और यदि हम क्या करते हैं रिक्वायर फंक्शन के बारे में, तो अगर रिक्वायर फंक्शन का पाथ गलत हो जाता है तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा पीएचपी का एग्जीक्यूशन रोक देता है और आपको एक कंपाइलेशन एरर मैसेज दे देता है। ठीक है, मतलब रिक्वायर और ये जो आपका इंक्लूड फंक्शन है, इन दोनों के बीच की कहानी यही है कि इंक्लूड में आपकी स्क्रिप्ट रुकती नहीं है और रिक्वायर में आपकी स्क्रिप्ट वहीं पर रोक दी जाती है। तो ये क्या करता है, यदि इंक्लूड के द्वारा ऐसा कुछ होता है इंक्लूजन पे, तो एक मैसेज आता है वार्निंग, ई वार्निंग करके, और इंक्लूड अलाउ द स्क्रिप्ट टू द कंटिन्यू, मतलब आपकी बाकी स्क्रिप्ट को क्या करता है, वार्निंग मैसेज देके कंटिन्यू कर देता है। लेकिन यही काम यदि रिक्वायर के साथ होता है तो वो क्या करता है, फाटल एरर देता है, फाटल ई कंपाइल एरर, और आपकी स्क्रिप्ट को वहीं पर रोक देगा। तो देखिए, मेरे पास एक प्रोग्राम है, मान लीजिए इंक्लूड 1.php और दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास रिक्वायर 1.php। ये दोनों में दो फाइलें मैं यूज कर रहा हूं, एक में mino.php और दूसरी फाइल footer.php। रिक्वायर 1 पर mino1.php
और footer.php, ये दोनों फाइलें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम यहां पर चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं। सबसे पहले आप प्रोग्राम देखिए, तो वहां से थोड़ा बेहतर क्लियर कर पाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर। प्रोग्राम की स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, देखिए इंक्लूड फाइल menu.php और footer.php, ठीक है, यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। तो बॉडी इसकी है बीजी कलर पिंक, इंक्लूड menu.php। तो आइए देखिए menu.php का कोड क्या है, वही कोड है, आप लोग इसको देख चुके हैं जहां पर मैंने आप लोगों को नेविगेशंस क्रिएट करना बताया था। ठीक है, अब इसके बाद वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस इज पेज डिजाइन बाई का एक मैसेज है, और इंक्लूड footer.php। ठीक, और फिर एक मैसेज मैंने दे रखा यहां पर, आप देखिएगा मैसेज php इको वेलकम टू इंक्लूड फाइल, मतलब ये क्या करें लास्ट में मैसेज, क्योंकि अगर जैसे कि अभी भी हमने पढ़ा कि इंक्लूड में चूंकि दो फाइल इंक्लूड हो रही है, एक menu.php हो रही है, एक footer.php हो रही है, तो यदि मैं menu.php का पाथ गलत कर दूं, पाथ गलत कर दूं, मैं डिलीट ही कर दूंगा, यहां से फाइल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो उसे वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस इज पेज डिजाइन बाय द जो भी है, और ये पूरा कोड उसकी इसके नियम के हिसाब से जो हमने पढ़ा है इसको रन करना चाहिए। और यदि यही काम हम रिक्वायर में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड के साथ ये काम करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मली मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, आप लोग देखिए। लोकल होस्ट किया मैंने, सर्वर मेरा ऑन था पहले से, ठीक है, और ये इंक्लूड one.php, होम फॉर्म ब्लॉक्स वीडियो एंड ट्रेनिंग, वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, दिस पेज डिजाइन्ड बाय कॉपीराइट 2003-2021 एंड द वेलकम टू इंक्लूडेड फाइल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्रीन शेयर करके आपके सामने, ये स्क्रीन शेयर है, मैं एक फाइल डिलीट कर रहा हूं यहां से menu.php, क्योंकि menu उसमें था तो menu.php में ये डिलीट कर दिया यहां से। ठीक है, ये डिलीट किया, अब मैं इसी प्रोग्राम को रिफ्रेश कर दूंगा। देखिए क्या दिया, वार्निंग इंक्लूड menu.php फंक्शन इंक्लूड, फंक्शन इंक्लूड फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, no such file or directory in CVM www.php program included 1.php on line number 6, चूंकि line number 6 में मैं इसको call किया था। ठीक, अब बाकी का देखिए, welcome to सदगुरु डिग्री कॉलेज,
दिस पेज इज डिजाइन बाय रोशन सेन, कॉपीराइट जो भी है एंड वेलकम टू इंक्लूडेड फाइल। ओके, तो ये इंक्लूड फाइल की खूबसूरती है कि वो क्या करता है, आपकी जिस फाइल को आपने इंक्लूड किया है उसी बस को छेड़ेगा, बाकी वार्निंग देके आपके बाकी के कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। यही चीज मैं रिक्वायर के साथ जाता हूं करने। ठीक है, अब चूंकि मेरे को क्या करना है, ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है क्या, प्रोग्राम की स्क्रीन दिख रही है? हाँ, चलिए अब इंक्लूड फाइल मीनू वन डॉट पीएचपी और फूटर डॉट पीएचपी, ये फूटर यहां पर ये है, यूजिंग द रिक्वायर फंक्शन। अब मैं इसको रिक्वायर फंक्शन के द्वारा करने जा रहा हूं, तो बॉडी बीजी कलर लाइट ग्रे, इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो क्या होगा, लाइट ग्रे होगा। पीएचपी रिक्वायर मीनू वन डॉट पीएचपी, तो देखिए मीनू वन डॉट पीएचपी में ये है होम पीएचपी जावा सीएसएस और एचटीएमएल, ये कोड आप लोगों ने कल देखा था, इसी को आप लोगों ने रन भी किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर वन डॉट पीएचपी के बाद दिस इज मेन पेज, इसको हम क्या कर देते हैं, दिस इज मेन पेज वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, ये दो मैसेज हैं, पीएचपी रिक्वायर फूटर डॉट पीएचपी, फिर वेलकम टू रिक्वायर्ड फाइल। अब इसके नियम के हिसाब से यदि मैं इस फाइल को डिस्टर्ब करता हूं मीनू डॉट वन डॉट पीएचपी को, तो ये बाकी का कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्क्रिप्ट को यहीं पर क्लोज कर देगा और बाकी काम इसको एक कंपाइल इरर देगा, वार्निंग नहीं देगा, सीधे सीधे कंपाइलेशन इरर देगा। तो पहले मैं एक बार इस प्रोग्राम को नॉर्मली रन कर रहा हूं, तो देखिए रिक्वायर वन डॉट पी एच पी होम पीएचपी जावा सीएसएस एचटीएमएल के मीनू बने हुए हैं, दिस इज मेन पेज वेलकम सदगुरु डिग्री कॉलेज, कॉपीराइट सी 2003-2021 sics.com, वेलकम टू रिक्वायर्ड फाइल। ठीक, ये आपके सामने ये इस। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसका मैं मेनू वन, क्योंकि वहां पर मेनू बनाया था तो यहां पर मेनू वन बना हुआ है, क्योंकि एक ही फोल्डर पे दो नाम से फाइलें नहीं हो सकती, तो मैं मेनू वन को यहां से डिलीट किए दे रहा हूं। ठीक है, ये मेनू वन को मैंने यहां से डिलीट कर दिया, स्क्रीन तो ये दिख रही ना आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही नहीं वाली? Yes, sir. हाँ, चलिए अब यहां पर देखिए मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, मीनू वन डॉट पी एच पी को मैंने डिलीट कर दिया है और यहां पर इसको रन कर रहा हूं, ये देखिए वार्निंग रिक्वायर मीनू वन डॉट पी एच पी फंक्शन रिक्वायर, फंक्शन रिक्वायर फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी यहां पर, और इसके बाद आपके किसी भी कोई भी कोड, जबकि इसके पहले जो भी कोड थे वो कोड आप लोग आपको दिखाई दे रहे थे, इसके बाद अब कोई भी कोड आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है? हेलो, हेलो, यस सर, दिखाई दे रहा है कोड? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है? No, sir. अभी दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, तो देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो कह रहा है मैंने मीनू वन मैंने किया था, तो मीनू वन पे क्योंकि वो टॉप पे था वहीं पर स्क्रिप्ट को उसने क्लोज किया, आपको एक इरर दिया
इधर मैसेज दिया और आपको बाहर कर दिया। ये देखिए फाटल एरर रिक्वायर्ड, ये यहां पर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो ये देखिए कह रहा है फेल्ड टू ओपनिंग रिक्वायर्ड मीनू 1.php जो कि आपके इसमें इंक्लूड पाथ के अंतर्गत नहीं है और बाकी की स्क्रिप्ट को आपके क्या कर दिया उसने क्लोज कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का इसका इंक्लूड वर्सेस रिक्वायर कि इंक्लूड में क्या होता है और रिक्वायर में क्या होता है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एक में वार्निंग आती है और एक में फटल एरर आता है। इंक्लूड वाले में वार्निंग आने के बाद भी हमारे कोड को वो रेस्ट नहीं करता है, वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है, जबकि रिक्वायर के साथ वो हमारा फटल एरर देता है और हमारे कोड को क्या कर देता है जो बाकी का रिमेनिंग कोड है हमारे प्रोग्राम को उसे वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक, तो ये बताइए किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को भी? किसी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो रिक्वायर और इंक्लूड का? हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों के पास? आ रही है सर। हाँ, वॉइस आ रही है सर। अच्छा, वॉइस आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? रिक्वायर वर्सेस इंक्लूड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है? हाँ? नहीं, किसी को नहीं पूछना? चलिए, तो मैं क्या मान के चलूं कि हो गया आप लोगों को, आ गया समझ में फाइल इंक्लूजन? ना आप लोग हाँ में जवाब देते हैं, ना आप लोग ना में जवाब देते हैं, आप लोग तटस्थ रहते हैं कि अगर कल के दिन कोई बात आए तो सर हम तो सब कहे नहीं थे ना कि वो, हम तो बोले नहीं थे सर, हमको थोड़ी ना समझ में आया था। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास मंडे से मैं डेटाबेस हैंडलिंग स्टार्ट करूंगा। पीएचपी का फ्रेंडली डेटाबेस है MySQL, जिसके साथ उसकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी भिड़ती है। कैसे भिड़ती, क्यों भिड़ती है, वो अपन उसी क्लास पे देखेंगे। और हाँ, मैं फिर से एक नोट, चूंकि लड़के ज्यादा जुड़ गए हैं तो एक शॉर्ट नोटिस मैं आपको दे दूं। आपके ग्रुप में मैंने कुछ नाम भेजे हैं, ठीक है, उन नाम के असाइनमेंट्स की लिस्ट मेरे पास, सॉरी असाइनमेंट्स का अटैचमेंट नहीं आया, नाम आ गया है, रोल नंबर आ गया, पीडीएफ अटैचमेंट नहीं आया। और एमएससी में अगर जुनैद आलम जुड़ा हुआ है तो जुनैद आलम तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उसका भी वेब डेवलपमेंट का नहीं आया। जावा का आ गया है, वेब डेवलपमेंट का उसका भी नहीं आया। तो जुनैद तुम भी उसको दोबारा से रिसेंड कर देना, मैंने लिंक तुमको भेज दिए। बाकी मैं लिंक अभी 5BC की शेयर कर रहा हूं, सिर्फ 1:30 बजे तक रहेगी वो, उसके बाद मैं उसको डिसेबल कर दूंगा, तो उसे आप लोग तुरंत सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, तो क्लोज करूं आज की क्लास, या किसी कुछ पूछना है? ओके, यस सर। चलिए, थैंक यू।